अभी जो आपने वीडियो देखा है, आज मैं उसका ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। तो अगर आप मुझे नहीं जानते, तो मेरा नाम है कमरुद्दीन खान। मेरे और आपके यूट्यूब चैनल हार्ट हैकर 2011 में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने पहले से कर रखा है वो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। आपको अपने काइन मास्टर में जाना है और प्लस आइकन में क्लिक करना है। इसके बाद आपको 9:16 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा खुलने पर, देखिए खुल गया। इधर पे फिर आपको इधर पे मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको ये बैकग्राउंड ऊपर दिखा ना आइकन, बैकग्राउंड में क्लिक करना है और एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है। इसको यहाँ से डन कर देना है। इस ब्लैक बैकग्राउंड को थोड़ा बड़ा करना है ऐसे, ठीक है, खींच कर बड़ा कर दिया आपने, फिर यहाँ से डन कर दीजिए। डन करने के बाद यहाँ से लेयर पे जाइए। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाइए। मीडिया पे जाने के बाद आपको उस फोटो को सेलेक्ट करना है जो आप VFX में लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से अपनी ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ये हो गया। और यहाँ से मैं इसको खींच कर बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से इसको डन कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर लेयर पे फिर से जाना है और उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जिस पे आप VFX में अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं लेयर पे चलता हूँ, मीडिया पे जाता हूँ। मीडिया पे जाने के बाद ये VFX में जाता हूँ और इधर पे मतलब ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको इस वीडियो को जो है स्क्रीन के बराबर करना है, खींच कर ऐसे, ठीक है, जब बराबर हो गया। चलिए अब इधर पे मैं यहाँ पर इसी वीडियो पे क्लिक करके और यहाँ से जो आपको दिख रहा है ना क्रोमा की में जाना है और इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने बाद थोड़ा इसको एडजस्ट कर देना, एडजस्ट करना है मतलब कि आप लोग अपने हिसाब से कर दीजिएगा, मैं भी अपने हिसाब से कर देता हूँ। चलिए हो गया डन। अब यहाँ से मैं ग्रीन स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पर जो है क्रोमा की मैंने एक्टिवेट नहीं किया है शायद, हाँ कर रहा है, पर यहाँ कलर चूज़ करना है आपको, यहाँ पर ग्रीन कलर है तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और डन कर देता हूँ। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर फ़ोटो एडजस्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर जो है फ़ोटो एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए और थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि जो है बाद में दिक्कत ना आए। ये ऊपर आ गया, इसको जो मैंने एडजस्ट कर लिया, चलिए ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ से जो है इसके एक बार प्ले करके देख लेना है। देखिए अब आपको यहाँ पर सॉन्ग डालना है इसमें, लेकिन सॉन्ग डालने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में ऑलरेडी सॉन्ग जो है ऐड कर दे रहा हूँ। आपको यहाँ से जो है इसके बराबर ही, इसके जो बराबर यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर सीजर में जाकर और यहाँ ट्रिम टू राइट और प्ले हेड पर क्लिक कर देना, फिर यहाँ से ऊपर ऐसे सेम यहाँ पर सीजर पे जाके ट्रिम टू राइट प्ले हेड कर देना है और इसको यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पर ये शेयर बटन में क्लिक करना है और आपको यहाँ से HD 720p और 30 पे एक्सपोर्ट कर देना है,